अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ हुमायूं सईद और मैं नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो इंसानियत की बहुत बेहतरीन तरीके से खिदमत कर रहे हैं। और दूसरा, मैं आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, स्पेशली बाइक चलाने वालों से जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो हेलमेट ज़रूर पहनें, अपने पीछे जो सवारी बिठाते हैं उसे भी हेलमेट पहनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी जान बहुत कीमती है, आपके घर वाले हमेशा परेशान रहते हैं, आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं जब आप बाइक पर निकलते हैं। तो जब आप बाइक ठीक तरीके से नहीं चलाते और आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप सारी ज़िंदगी के लिए अपने माँ बाप को, अपने प्यार करने वालों को एक तकलीफ़ में छोड़ जाते हैं, सारी ज़िंदगी के उनको एक तकलीफ़ में छोड़ते हैं। तो प्लीज़ बाइक हमेशा अपनी लेफ़्ट साइड पर रख के चलाएँ, बिल्कुल बाएँ बाएँ तरफ जो है वो बाइक को आप चलाएँ, और कभी एक पहिए पर बाइक ना चलाएँ, तरीके से और तमीज़ से चलाएं और अपनी ज़िंदगी को अहमियत दें। ये एक दफ़ा मिलती है, इसे ज़ाया ना करें और हेलमेट ज़रूर पहनें। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस को बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से आप लोग इंसानियत की दिन रात खिदमत कर रहे हैं, आपको मेरा और सब पाकिस्तानियों का सलाम पहुंचे। और ये मैं आपसे मुखातिब हूँ जो लोग मोटरसाइकिल सवार हैं, मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट ज़रूर पहनिए। और जो लोग आपके पीछे बैठे हैं, चाहे वो ख़वातीन हो, हजरात हो या बच्चे हो, हेलमेट पहनना लाजिम है। और रोड पे करतब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक पहिए पे मोटरसाइकिल भी ना चलाएं। इस तरीके से आप लोग सिर्फ अपनी जानों को ख़तरे में डालते हैं। रोड के कवानीन की इज्जत कीजिए। तो मोटरसाइकिल चलाते वक्त भाई जाने मोटरसाइकिल चलाइए। देखिए, अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में आने का सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा दिया है, तो खुदा के वास्ते अपनी जानों की हिफाजत कीजिए, कदर कीजिए, अपनी ज़िंदगी से प्यार कीजिए। अस्सलामुअलैकुम।